अक्षत कहाँ गया? दुबई में। जा। सो गाइस अभी मैं पहुंचा हूँ घर ऑफिस से और अब आपको करेंगे वेलकम। तो वेलकम टू राज तिवारी व्लॉग। और गाइस आते ही जो है ना आपने देख ही लिया कि अक्षत छुपा हुआ था। आज आकृति को देखो, उसने बाल कैसे बनाए हैं। ऐसे ना जो आते हैं ना यहाँ पे पढ़ने के लिए हमारे, जो ऐसी छुट्टियां करते गए जो कहाँ के होते हैं हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता उनको यहाँ पे नीगरो भी बोल देते हैं, नीगरोस बोल देते हैं और काफी अच्छे इंसान होते हैं, रिस्पेक्टेबल इंसान है। हमारे एक बार ना बैल बज गई, पापा कह रहे ओ नान छोले और अक्षत को बहुत पसंद है। अक्षत पानी पी रहा है। आकृति पसंद है ना तेरे को? और ये बाहर का खाना तब भी आता जब मेरे सर में दर्द हो जाता है। हाँ। आज मम्मा ने मेरे बाल कुछ इस तरह से ऐसे ब्रेड बनाए हैं। मम्मी मेरे बालों में हीट नहीं लगाती है ताकि मेरे बाल ऐसे जल ना जाए, क्योंकि छोटे छोटे से है ना। तो मम्मी एक दिन हमने ये ऐसी एक हेयर स्टाइल बनाया था ना, खुले बाल बाकी ऐसे करके, तो इतने अच्छे से बाल निकल गए थे ना कले कले। तो मम्मी ने बोला एक दिन मैं तेरे ऐसे बाल बनाऊंगी। और पापा आज हमारे लिए नान लेके आए थे। पापा गए फ्रेश होने के लिए और मम्मा इधर बीट कॉफी बना रही है पापा के लिए। और ये बन गई है अच्छी सी बीट कॉफी। और पापा ने हमें ट्रीट दिया, हमने भी पापा को ट्रीट दे दी। वो पता नहीं था ना, मम्मी इतनी फास्ट फास्ट काम करती है कि पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे रख दिया कब नहीं रखा। और ये बहुत गर्म है, अभी पापा इसको पियेंगे। गाइस आपको जैसे पता ही कि कल बच्चों का रिजल्ट आया था ना, तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है, ज़्यादातर जिस दिन बच्चों को रिजल्ट आया या कुछ अच्छा हो ना तो बच्चे ना थोड़ा बीमार पड़ जाते हैं। तो आज हमारी आकृति भी थोड़ा सा ढीली है, बीमार है। आज क्लासेस चेंज हो गई है, तो आपको पता ही है कि स्कूल का जो भी सामान भी आएगा और घर का सामान भी आना थोड़ा सा, इसलिए मैं जा रहा हूँ मार्केट। और ये देखो बाबू आ गया मेरा। पापा जी एयरपोर्ट देना, मम्मी के पास हेडफोन है, मेरे पास नहीं है हेडफोन, मैं ले आऊंगा। हेडफोन तो गाइस अक्षत की एक नई डिमांड और आ गई है, और छोटे वाले आते ना एयरपोर्ट बोलता उसको। हाँ एयरपोर्ट, जब एयरपोर्ट एक बैठे है वो चार्जर लगा देती है, नहीं वो लाखों के नहीं मिलते। क्यूट आ गई है, क्यूट इधर आ जा, इधर खिला दो क्यूट को बिस्किट। ये क्यूट बहुत लाडली हो रही है आजकल, खिला दो खा ले। नहीं पिया, नहीं पी रही वो पानी। बच्चों की बुक्स आ गई है। आकृति थोड़ी तबीयत ठीक है बेटा? अभी मैं अपनी दवाई भी लेके आया हूँ, ठीक है? हाँ अपनी अपनी संभाल लो। हाँ पीछे गेम भी है। हाँ मेरे लिए आ चुकी है चाय। और ये जो आप इतना खिलाना देख रहे हो ना किताबों का, तो ओल्ड बुक्स जो है किसी को दे सके इसलिए तैयारी हो रही है अक्षत की। और नई बुक्स आई हैं जो उनको मेंटेन करके रखा जा रहा है, मतलब कि पूरी पूरी अब नई क्लासों की जो चल पड़ी है तैयारियां उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है सबका। किताबों का तो हो गया क्लियर, कुछ किताबें स्कूल से मिलेंगी जो हम कर सकते थे, नोटबुक वगैरह वो मैंने लिया दी बच्चों को। फिलहाल छत पर जा रहे हैं, एक तो धूप बहुत ज़्यादा है और एक ना आजकल हमारे पड़ोस में काम भी चल रहा है। तो भाई ये देखो ये चल रहा है यहाँ पर काम, यहाँ पर इनका मकान बन रहा है। यहाँ पर देखिए आइसक्रीम कैसे खाई जा रही है। और इन सबकी तबीयत खराब थी। और आकृति क्या बोल रही थी? आकृति कह रही मैंने आइसक्रीम नहीं खानी है। अच्छा पापा अब रुक जा, मेरी बात एक सुन। मेरी बात एक मिनट पापा, मेरे को आइसक्रीम बहुत अच्छा लगा। मैं बोला पापा अभी आ रही है आइसक्रीम की दुकान है। तो गाइस आकृति ने बोला कि मैंने आइसक्रीम नहीं खानी है। हाँ मैंने कहा आकृति आप ऐसा करो मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, ये देखो नहीं खानी मेरे लिए ले आओ। तो मैं जैसे बाहर आके देखा, मैं देखती हूँ आकृति ने कौन सा नहीं देखा, तो आकृति ने सबसे बड़ी आइसक्रीम खाई हुई है और फटाफट पापा ने दी थी। सो गाइज अभी हम निकल रहे हैं एक लॉन्ग रूट पे, लॉन्ग ड्राइव होगी और बच्चों को थोड़ा घुमा के भी लाएंगे। आज मेरे साथ एक नया गेस्ट भी आने वाला है। कौन सा वाला? ओ वेरी गुड गाइस, आज हम लॉन्ग ड्राइव पे हैं और अभी हम बाइक में ऑफलोडिंग कर रहे हैं। इधर बाइक में भी ऑफलोडिंग होती है और ये वाला रास्ता बहुत पहली बार आया है ना पापा। गाड़ी मतलब ये बाइक इसलिए इतनी हिलती है क्योंकि रोड अभी कच्चा है। गाइस अभी हम आ गए हैं मेन रोड में, आप देख सकते हो। और ये वाला रोड
भी फोन नहीं हिल रहा है। गाइस आज आपको जो ब्लॉग देखने को मिलेगा वो मिलेगा लॉन्ग ड्राइव का ब्लॉग, और वो भी बाइक में सब लोग बैठे हुए और बिल्कुल केयरफुली बाइक चलाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, ये बच्चे भी साथ में हैं, पूरी फैमिली है। सो आज आपको लॉन्ग ड्राइव का ब्लॉग मिलेगा, देख लो। हर आपको यहाँ पे बहुत सारे पैलेस, स्कूल, कुछ खेत, बड़ी बड़ी कोठियाँ, वो पैलेस है ना ये तो? हाँ, मुझे लगा कोठी है वो साइड में। तो ये है हमारे पंजाब का सबवे, और हमने ये पहली बार देखा है आज। हमें नहीं पता था कि यहाँ इतनी दूरी में सबवे भी है, बिकॉज आए नहीं दो तीन साल से, तो वैसे भी नहीं आना हुआ, लॉकडाउन लगा हुआ था। सो इसलिए आज आपको लॉन्ग ड्राइव की वीडियो मिलने वाली है। गाइस ये रिजोर्ट देखो कितना प्यारा है, ये बहुत अच्छा है। ये तो यार मैं आधा एक बार फिर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा। सो गाइस अभी हम यहाँ पे आ गए हैं, ये पंजाब के यहाँ से पिंड शुरू हो जाते हैं। पिंडों में देखो यहाँ का माहौल कितना शांत है, कितना अच्छा है, दूर दूर तक एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे यहाँ की हवा बहुत अच्छी है, जैसे हमारे वहाँ की जो हवा है ना जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे थोड़ा सा गर्मैश है, थोड़ा सा पॉल्यूशन सा फील होता है जब हम सांस लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो मेरे को सांस भी पसंद है मम्मा। तो देखो यहाँ का ये माहौल कितना अच्छा है, ये खेत देखो यहाँ पे कितने बड़े खेत है, पंजाब पेड़, ओ माय गॉड पेड़ देखो, शहरों में कहाँ देखने को मिलते हैं ये पेड़, ये पिंडो विंडो में ही देखने को मिलते हैं ऐसे। अभी हमने तो थोड़ा सा स्टे किया है क्योंकि बच्चे थक गए थे ना बाइक पे बैठे बैठे, तो यहाँ से कुछ खाया पिया, और अभी हम निकल रहे हैं फिर से अपनी लॉन्ग ड्राइव को करेंगे शुरू। और ये मेरी बाइक तैयार है, तो निकले फिर से, चलो चले तू, अब ठीक लग रहा है ना? ओके भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आते आते हमें रात हो जाएगी, तो मैंने जब आपको रोड दिन में दिखाए थे तो देखा आपने रोड कितने अच्छे थे, लेकिन इन रोडों पर लाइटें नहीं है, कहीं पर भी लाइटें नहीं है, बस यहाँ पे दो लाइट लगी है, अब जाके दिखे दो लाइटें, वरना इन रोडों पे कहीं पे भी लाइट नहीं है, गाड़ियों की लाइट के भरोसे ही गाड़ी चलाई जा रही है। और देखो जो भी मैंने आपको दिखाया था वो सब अंधेरा है, अभी कुछ भी नहीं दिखेगा। सो अभी चलते हैं घर, बहुत ही केयरफुली ड्राइव करना है बिकॉज बच्चे भी हैं और बाइक है, तो केयरफुली तो ड्राइव करना ही है। खैर आते हुए हम लेके आए बच्चों के लिए पेस्ट्री, आप देख सकते हो पेस्ट्री हैं, तो फटाफट खा लेते हैं। तो गाइस गए वापस आए, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात ना क्या हुई है, अक्षत की चप्पल ने हमें बड़ा परेशान किया। चप्पल गिरी थी ना? ना नहीं गिरी थी। तो गाइस इसकी कम से कम दो बार चप्पल गिरी और पूजा उठा उठा के लेकर आई है रोड के ऊपर, और ट्रैफिक इतना। तो गाइज आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दीजिए, अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और बस आज का ब्लॉग यहीं तक रखेंगे, हम मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय बाय।